जी, इन यूनियन में हमने क्या किया है कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया है जो भी हमारे पास सेट्स गिवन थे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। नाउ यू सी व्हाट विल वी डू इन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। ओके, सो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूं। दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। वहां सीधा यू था, उसको आपने उल्टा कर दिया है। नाउ दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन में हमने क्या किया था, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला दिया था, इकट्ठा कर दिया था। एंड इन इंटरसेक्शन हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी कंटेन्स 2, 4 एंड 6। ओके, सो टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी वी राइट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए 1, 2, 3, 4 दरमियान इंटरसेक्शन का साइन, देन वी विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज 2, 4, 6। ओके, यस। अब मुझे बताएं कि इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे। यूनियन में हमने क्या किया था, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया था 1, 2, 3, 4 एंड 6। अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, सेम एलिमेंट्स को लिखना है, जो दोनों एलिमेंट सेट्स में सेम है, एक जैसे हैं, उनको आप लिखेंगे, दैट इज द यूनियन। 1 इज सेम इन बोथ सेट्स, नो। 2 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, यस। 3 इज प्रेजेंट, नो। 4 इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ सेट, सो 2 एंड 4 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इज इट क्लियर। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया है, हमने दोनों सेट्स में जो सेम एंट्रीज थी, जो सेम एलिमेंट्स थे, उनको लिखा है, बाकी सब को छोड़ दिया है, जो सिर्फ सेम है हमने उनको लिख दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी अनदर एग्जाम्पल। इफ आई हैव a set C which contains 2, 4, 6, 8, 10 and set D contains 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, now we have to find the intersection of C and D. What will we do? What is C here? First of all, write set C, which is 2, 4, 6, 8, 10. Intersection, what is D here? 1, 3, 5, 7, 9. Okay? Now C, which elements are same? दोनों सेट्स में देखें कि कोई एलिमेंट्स आपको सेम नजर आ रहे हैं। 2 इज सेम, 4 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, नो। 6 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, नो। 8, नो। 10, नो। नाउ सी हियर, फ्रॉम हियर 1 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, नो। 3, नो। 5, no. 7 and 9 also no. So there are no same elements. जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, we'll write empty set. Empty set is the intersection of these two sets. C and D contains no same elements. That's why the intersection of both sets is empty set. Okay? Is it clear, students? Yes. अगर आपके पास दोनों सेट्स में कोई सेम एलिमेंट
दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है तो देन यू विल राइट द दिस कॉमन एलिमेंट. ओके, और यूनियन और इंटरसेक्शन को मिक्स आपने बिल्कुल नहीं करना. इन इंटरसेक्शन यू विल राइट द सेम एलिमेंट्स एंड इन यूनियन यू विल राइट ऑल द एलिमेंट्स. ओके, अच्छा नाउ दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स को लिखना है. और अगर कोई आपके पास
ऐसा सेट आ गए हैं दोनों में कुछ सेम नहीं है तो देन योर आंसर विल बी एम्प्टी सेट. ओके, सो सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन असाइनमेंट इन गूगल क्लास होम एंड इन द नेक्स्ट लेसन विल लर्न व्हाट अबाउट कम्यूटेटिव लॉज. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.